मैं गिरीश भगत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, 1985 से जिले की लड़ाई में निरंतर अग्रसर रहे हैं। रानीखेत जिले की लड़ाई सर्वप्रथम 1985 में शुरू हुई थी रानीखेत, उससे पूर्व भी इस पर कई बार लोगों ने डिमांड की। हमने तो सुना है कि 1955 से मांग है। 1955 से मांग है, लेकिन 85 में जो एक जन आंदोलन जिसको कहते हैं कि जो पूरे पूरे क्षेत्रों में यहाँ की उस टाइम की तत्कालीन सबसे बड़ी तहसील हुई थी, भद्रौज खान, सल्ट, भिक्यासेन, मानिला, तमाम इलाके उस टाइम पे 1985 के जन आंदोलन में सारे इलाके, क्योंकि सारे लोगों ने लामबंद होकर के अपने अपने बाजार बंद की थी। आपके पास 1985 के आंदोलन के कोई फोटोग्राफ्स या कोई हैं? तो क्या आप वो हमें अभियान रानीखेत जिला को उपलब्ध करा सकते हैं? हम तुरंत ही उन्हें वापस कर देंगे आपको। जन आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि ये थी कि पूरा मतलब जो उपमंडल जिसको कहते थे, उसके बाद 1984 उसके बाद रानीखेत तहसील का एक जो भिक्यासेन तहसील बनी, उसी आंदोलन की उपलब्धि थी। उसके एवज में जो है वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तहसील की घोषणा की भिक्यासेन की। भविष्य में उस टाइम पे तत्कालीन मतलब राजस्व मंत्री जो थे बलदेव सिंह आर्य, उन्होंने इस बात की सहमति दी। यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे माननीय वेला जी, उनको अपनी संस्तुति के साथ पत्र भेजा कि कभी वित्तीय कारणों से अभी हम उत्तराखंड ये रानीखेत जनपद का दर्जा नहीं दे पा रहे, लेकिन निकट भविष्य में जब भी जिले का कभी भी बनेगा। लेकिन आज भी तो यही कह रहे हैं कि हम वित्तीय कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो यही वित्तीय कारण एक्चुअल में बार बार इस रानीखेत जिले के लिए, जबकि इसमें वित्तीय बहुत कम वित्तीय उसमें चीज़ें जो है निकल आनी है, बहुत इतना कम वित्त खर्च होना है इसमें, जिसमें मेरे को लगता है क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है। काफ़ी बड़ी तहसील के पास काफ़ी एरिया है, जिलाधिकारी के लिए कई ऐसे एरियाज है जो भी आज बिल्कुल बंजर हो चुके हैं, जिनको बना करके अभी जिलाधिकारी कार्यालय हो सकता है। और भी आसपास के एरिया में मछखाली में, ताड़ीखेत में, कई जगह ऐसे ऐसे जमीनें खाली, सरकारी जमीनें खाली हैं जिन पे जिले का वो पूरा का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। रहा सवाल इस बात का कि भाई जन आंदोलन, उसके बाद 87 में जन आंदोलन हुआ, 89 में जन आंदोलन हुआ, बार बार यहाँ पे जन आंदोलन, उन जन आंदोलन से निरंतर हम लोग जुड़े रहे हैं उन जन आंदोलन से के साथ। उसके बाद निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री निशंक ने इस बात को घोषणा की थी, रानीखेत घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा जो है एक उसके साथ दुर्भाग्य रहा कि वो घोषणा जो है जियो नहीं बना। वो घोषणा हुई नोटिफिकेशन उसमें जियो नहीं हो पाया, सरकारी गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण ये जिला फिर एक बार रानीखेत जो है, उससे पूर्व में भी एक बार घटना आपको मैं याद दिलाऊं, इससे पूर्व में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से एक डेलीगेशन 1987 में 89 में जब हम लोगों का मिल रहा था, तो बड़ी पॉजिटिव बात करते हुए उन्होंने रानीखेत नगर को एक स्वतंत्र प्रभार एडीएम की नियुक्ति दी, लेकिन तत्कालीन कारणों से उस टाइम की स्थितियों को देखते हुए दुर्भाग्य कहें रानीखेत का, इस बात को मैं देखूंगा दुर्भाग्य था इस रानीखेत का, क्योंकि एडीएम उसके तत्काल बाद रानीखेत उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ। एडीएम मात्र यहाँ 6 महीने स्वतंत्र प्रभार एडीएम की जो बात मुलायम सिंह ने कही थी, एक डीवाईएसपी और एक एडीएम की नियुक्ति उस टाइम पर माननीय मुलायम सिंह जी ने की, लेकिन वो उत्तराखंड आंदोलन की भेंट चढ़ गया। उसके बाद कोई भी दूसरा एडीएम यहाँ पे नहीं आया। और दुर्भाग्य देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, इस उत्तराखंड राज्य के बाद सारे क्षेत्रों का डेवलपमेंट, लेकिन रानीखेत जहाँ पे ICS बैठा करता था, IAS बैठा करता था, वहाँ एक PCS बैठाना शुरू कर दिया। इस रानीखेत में जिस जिला आंदोलन से लेके तमाम जन आंदोलनों में जो भागीदारी की, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा, ये निरंतर नीचे चला गया रानीखेत। और जहाँ सवाल इस बात का है, आज भी इसके वजूद के लिए आज जो इसकी स्थितियाँ हो रही हैं, आज भी जो इसकी स्थितियाँ हैं जो लग रही हैं वर्तमान में, जो स्थितियाँ दिख रही हैं, उन स्थितियों में डे बाई डे यहाँ का व्यवसाय निरंतर चौपट होता चला जा रहा है, लोगों का पलायन निरंतर बना हुआ है, यहाँ से निरंतर लोग पलायन कर रहे हैं, और ऐसी पलायन अगर निरंतर जारी रहा तो ये शहर एक दिन जो ऐतिहासिक शहर है अपनी मौत मरने के लिए तैयार खड़ा है। आने वाले समय में अगर समय रहते, फिर हमारा माननीय हरीश रावत जी ने बड़ी सार्थक बात रानीखेत की, उसमें एक सार्थक पहल की है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, कई चीज़ों की घोषणाएँ करके गए, उनके प्रति हम उनके आभारी हैं। लेकिन मेरा साथ में कहना है कि रानीखेत के लोगों से, यहाँ के लोगों ने, जिन लोगों ने, मैं उनके रानीखेत के जो विधायक हैं उसके एप्रिसिएशन, पूर्व विधायक जो है उनके एप्रिसिएट करते हुए कहता हूँ कि लेकिन इनको जो घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं, उन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए निरंतर प्रयास करें, उनको धरातल में लेकर आए, तभी वो उसके बन पाएंगे। और वही घोषणा के तहत चलते जब माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि रानीखेत जनपद बनना चाहिए, रानीखेत जैसे महत्वपूर्ण नगर को जिंदा रखना है, रानीखेत जैसे महत्वपूर्ण नगर की अगर उसको जिंदा रखना है, इसकी अस्मिता को जिंदा रखना है, तो
तो इस शहर का जनपद का होना जरूरी है, यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं। थैंक यू।